एक टीनेजर को सुपर पावर मिलती है जिससे वो खुद जो फील करता है यही दूसरों को भी फील करा सकता है। अब क्या इस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से समझ पाएगा यह हम आज की हमारी मूवी द अनहीलर ये 2020 की एक साईफाई थ्रिलर मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बूढ़े आदमी को एक ग्रेव को विजिट करता हुआ देख सकते हैं। वो एक इंडियन लैंड पर कुछ रिचुअल कर रहा था। यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद अचानक से उसे जोर सा झटका आता है। वो दूर जाकर नीचे गिर गया। जब वो उठा तब वो रियलाइज करता है कि उसे पावर मिल चुकी है। इस ग्रेव में जिस भी आदमी को गाड़ा गया था उसमें जो पावर थी अभी इस बूढ़े आदमी को पावर मिल चुकी है। इस आदमी का नाम है फ्लूगर। नेक्स्ट सीन में हम हमारा मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है केली। केली को एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वो कागज वगैरह खाया करता था। आज ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए जब वो आया हुआ था तो क्लास के बाहर उसे उसके क्लासमेट मिले। वो उसे हमेशा थ्रैश बॉय बुलाया करते हैं। वो उसे बुली कर रहे थे तभी केली की एक बचपन की फ्रेंड जिसका नाम है डोमिनिक उसे बचाने के लिए आ जाती है। उस लड़कों को उसने स्टॉप किया पर फिर वो लड़के डोमिनिक के पीछे लग गए। केली डोमिनिक को बचाने की कोशिश करता है पर लड़के फिर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो फिर उसे उठाते हैं और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तभी शॉप ओनर लेडी वहाँ पर आके और सब लोगों को वहाँ से भगा देती है। जो भी हुआ इसके लिए डोमिनिक बहुत ही सॉरी थी। वो केली से कहती है मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ पर डोमिनिक सारा के साथ थे। सारा इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि केली अभी अभी कचरे में था और अपनी गाड़ी पर वो कचरा नहीं चाहती थी। इनके जाने के बाद केली फिर दूसरी शर्ट निकाल कर पहन लेता है क्योंकि ये सब हमेशा उसके साथ होता रहता था। वो जब स्कूल में पहुंचा तो उन लड़कों की उसे कचरे में डालने की वीडियो ही ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। केली घर पर आया तो उसकी मदर उसे पूछती है तुम्हारा दिन कैसा था। केली कहता है कि आज मेरी डोमिनिक से बात हुई। बर्निस कहती है तुम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे तुम्हें उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। इसके लिए केली उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। घर आकर डोमिनिक से भी उसकी मदर ने बात की थी। एक्चुअल में डोमिनिक और जो लड़का केली को बुली कर रहा था जिसका नाम था नेल्सन ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे पर अब डोमिनिक नेल्सन को डेट नहीं करने वाली क्योंकि उसे इस तरीके से किसी को भी बुली करना अच्छा नहीं लगता। वो भी केली को लाइक करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूगर को जिस ग्रेव पर पावर मिली थी उस ग्रेव पर एक आदमी आया हुआ था। इसका नाम है रेडेल और इसके एंसेस्टर की वो पावर थी। इन पावर्स को प्रोटेक्ट करने का काम उसका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केली की इस तरीके की खाने की आदतों की वजह से वो बीमार पड़ने लग गया था। उसकी मदर ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल है। घर में कोई भी आदमी नहीं है शायद इसी वजह से केली ये सब कर रहा होगा। एक्चुअल में डॉक्टर ये बर्निस को बहुत ही लाइक करता था। इसी को लेकर केली ने भी बर्निस को बहुत चिढ़ाया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लूगर लोगों को इकट्ठा कर उन्हें बता रहा था मुझ में अमेजिंग पावर है मैं आप सबको हील कर सकता हूँ। एक ओल्ड लेडी थी जो सही से चल नहीं सकती थी उसका पैर बहुत ही ज़्यादा दुखता था। फ्लूगर के पास आए और फ्लूगर ने उसका पेन पूरा खींच लिया। सब लोग उसकी वाहवाह करने लग गए। बर्निस ये सब देख रही थी। उसे लगता है कि फ्लूगर केली को हेल्प कर सकता है तो घर पर उसने उसे इनवाइट कर लिया। सब चीज़ों को रेड एल ने भी नोटिस किया। रेड एल ने कहा कि ये जो तुम्हारी पावर है ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। ये पावर तुम्हें वापस कर देनी चाहिए मेरी एंसेस्टर्स की है। फ्लूगर ने कहा कि मुझे एकदम अमेजिंग लग रहा है मैं कभी भी इस पावर को नहीं दूंगा। इसके बाद वो केली के पास आ जाता है। उसने जैसे ही केली को हाथ लगाया तो उसका सारा पेन उसे महसूस होने लग जाता है। वो ज़रा बाथरूम गया और उसने कुछ ड्रिंक कर लिया। इस ड्रिंक में रेड एल ने कुछ मिलाया हुआ था। जैसे ही उसने फिर से केली को टच किया तो अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। सारे दर्द से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फ्लूगर की डेथ के बाद अचानक से केली को अच्छा लगने लग जाता है। उसने अपनी मदर से खाना भी मांगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और बर्निस कहते कि फ्लूगर की सिगरेट एक केली के चेस्ट पर पड़ी थी। वो जब केली का फिर से चेस्ट देखते हैं तो उसमें कुछ भी बर्न वगैरह नहीं था। इसका मतलब है वो खुद जल्दी जल्दी हील होने लग गया था। फ्लूगर की सारी पावर ये अब केली में आ चुकी थी। अगले दिन केली जब अपने बाइसिकल पर काम कर रहा था तो उसके हाथ पर कट आ जाता है। इसे तो खून आना चाहिए था पर केली ने खुद अपनी जख्म को ऑटोमेटिक हील होता देखा। वो समझ जाता है कि कुछ उसके साथ अमेजिंग हो रहा है। बर्निस अपनी नाइट शिफ्ट पर जा रही थी और उसे बहुत ही ज़रा टायर्ड लग रहा था। केली उसे जैसे ही हक करता है वैसे उसकी एनर्जी बर्निस में भी आ गई। उसे भी बहुत ही अमेजिंग लगने लग गया था। वो खुद कितना अमेजिंग फील कर रहा है ये बर्निस को बताने की कोशिश करता है और बर्निस को ये बात नॉर्मल लगती है। इसके बाद वो टाउन में आया और डोमिनिक और उसकी फ्रेंड से मिलता है। डोमिनिक केली की एनर्जी देखकर उसे कहती है तुम तो बहुत ही अलग लग रहे हो।
डोमिनिक ने कहा कि मैंने कल क्या हुआ था इसके बारे में सुना। केली कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद कुछ ना कुछ तो अमेजिंग होने वाला है। अचानक से पीछे से रीड आता है, वो फिर से केली को बुली करने लग गया। वो जोर से केली के पेट में मारता है तो ये चोट डायरेक्टली उसके ही पेट पर लग गई। यानी कि केली को कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो खुद हर्ट हो जाता था। रीड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और केली के फेस पर पंच करता है तो इसकी चोट उसे खुद लग गई। ये बात जब केली ने रियलाइज़ की तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे मार सकते हो। रीड जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। घर वापस आते वक्त केली ने एक जॉब की वैकेंसी देखी जहाँ वो ज्वाइन कर लेता है। वो आज रात बहुत ही खुश था, सब कुछ चीज़ें अपनी मदर को बताता है। मदर के घर पर आने के बाद रीड अपने फादर को लेकर वहाँ पर आया हुआ था। फादर का नाम है गस। गस बर्निस को बताने की कोशिश करते हैं कि केली ने मेरे बेटे रीड को मारा। बर्निस कहती कि हमेशा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता रहता है। गस कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है पर आज जो हुआ बहुत ही अजीब था। बर्निस ने कहा कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तुमने इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए और गस को घर से बाहर निकाल देती है। केली फिर बर्निस को बताता है कि यही बात तुम्हें तुम्हें बताना चाहता था। उसे पिंच करने के लिए कहता है। बर्निस ने केली को पिंच किया तो इसका दर्द उसे महसूस हुआ। इस बात को लेकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। केली अपनी लाइफ के साथ आगे क्या क्या कर सकता है इस सब की लिस्ट बनाता है। बर्निस कहती है कि तुम्हें सब कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में तुम फायर से खेल सकते हो और भी क्या क्या तुम्हारी पावर्स हैं। केली फिर खुद को आग लगाने की कोशिश करता है पर उसे आग लगती ही नहीं। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में बताएंगे नहीं। अगले दिन केली जब स्कूल में जाता है तो डोमिनिक का रबर बैंड उसके पास पड़ा हुआ था। वो डोमिनिक को देखकर इमेजिन करने लग गया कि उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा है। इस ड्रीम में डोमिनिक के साथ उसकी फ्रेंड सारा भी थी। ये सब कुछ जब वो फील कर रहा था तो डोमिनिक और सारा भी क्लास में ये सब चीज़ें फील करती है। एक्चुअल में हुआ क्या ये दोनों समझ नहीं पाती पर केली यहाँ से भाग गया। रात में स्कूल के सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर रहे थे। डोमिनिक का एक्स बॉयफ्रेंड नेल्सन आकर उसे उठा लेता है। डोमिनिक ने कहा कि मुझे अभी क्या अभी नीचे उतारो। उसे उतार नहीं रहा था तो केली ने डोमिनिक को डिफेंड किया। इस बात पर नेल्सन कहता है तुम करोगे क्या। वो फिर से केली को मारने वाला था पर गस ने यह सब देख लिया और उसे रोक लेता है। गस ने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है इसके बारे में मैं फिगर आउट कर लूँगा और इसके बाद तुम्हें देखूँगा। पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद केली अपनी बाइक पर घर जा रहा था। नेल्सन और उसके फ्रेंड कार में थे तो ये बात वो नोटिस करते हैं। उसे डराने के लिए कार उसके बहुत ही पास लेकर आते हैं। उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। केली का अचानक से बैलेंस चला गया और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। इसके ऑपोजिट इफेक्ट की वजह से जो इनका फ्रेंड गाड़ी चला रहा था उसी की तुरंत वहीं पर डेथ हो जाती है। केली भी खून से लथपथ था पर वो बहुत ही जल्दी हील कर जाता है। पीछे से डोमिनिक और उसकी फ्रेंड भी आ गए। केली इस सिचुएशन में झूठ नहीं बोल सकता था तो डोमिनिक को उसने सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। केली की मदर भी वहाँ पर पहुँच गई और वो कहती है कि तुम पुलिस को सच सच नहीं बता सकते। जिस लड़के की डेथ हुई उसके फ्रेंड्स को पुलिस पूछते हैं कि हुआ क्या था तो कहते हैं केली रास्ते के बीच में से बाइसिकल चला रहा था, वो जानबूझकर हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ इस बात को नहीं मानते और इसके बाद वो केली के पास आए। केली ने कहा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बाइसिकल से टकराया और मैं रास्ते के दूसरे साइड पर नीचे गिर गया था। ये स्टोरी सबको बिलीवेबल थी, सबको लगता है कि एक्सीडेंट था तो इस वजह से इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद हम रेडेल को फ्लूगर के ग्रेव के पास देखते हैं। वहाँ पर जो पौधे पड़े हुए थे इस पर रेड एल ने कुछ कर दिया। स्कूल में सब लोग केली पर नजर रख रहे थे। नेल्सन की फ्रेंड ने कहा कि हमें केली को जाने देना चाहिए। नेल्सन कहता है कि उसकी वजह से हमारे फ्रेंड की डेथ हो गई, हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। आज केली और डोमिनिक हैंग आउट कर रहे थे। डोमिनिक ने कहा कि एक नई मूवी आई है, उसे वहाँ पर जाना था पर वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि केली उसे डेट के लिए पूछे। केली बात समझ ही नहीं पाता पर लास्ट में उससे पूछ लेता है। डोमिनिक ने भी हाँ कहा। केली को हमेशा से उसे डेट पर लेकर जाना था। आज वो बहुत ही खुश था। रात में जब वो काम कर रहा था तो रेड एल उससे मिला। रेड एल ने पूछा कि क्या तुम फ्लूगर को जानते थे तो केली उसे सब कुछ बता देता है। रेड एल अब समझ चुका था कि केली में फ्लूगर की पावर आ चुकी है। रात में केली घर पर आया पर मदर को ज़रा हेडेक था, वो फिर ज़रा मेडिसिन लेने के लिए निकल जाता है पर हम देख सकते हैं कि नेल्सन और उसके फ्रेंड घर पर नज़र रख रहे थे। उन्हें लगा कि केली की मदर बाहर गई है और केली अंदर अकेला है। उन्होंने उसके ट्रेलर का सपोर्ट अपनी गाड़ी से बांध दिया और गाड़ी को आगे खींचते जिससे ट्रेलर नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से ट्रेलर में गैस लीक हो जाता है। बर्निस ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की पर वो निकल नहीं पाती।
उसे एक लैम्प नीचे गिर गया और आग लगकर यहाँ पर स्पोर्ट हो जाता है। इसी में उसकी डेथ हो गई। जब तक केली वापस आया तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। पुलिस को लगता है कि केली को भी बर्न आए थे तो इस वजह से उसे हॉस्पिटल में डाल देते हैं। पर बाद में शेरिफ को पता चला कि केली को कुछ भी चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में शेरिफ से मिलने के लिए रेड एल्क आ गया। उसे कहता है हमारे एंसेस्टर की पावर अब केली में है, इसी वजह से वो हील हो पाया है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शेरिफ इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था तो इसे वो जाने देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम बर्निस का फ्यूनरल देखते हैं। केली को सहारा देने के लिए डोमिनिक उसके पास आती है, उसे किस करती है तो केली ने भी फिर से उसे किस किया। सब लोगों के चले जाने के बाद केली फ्लूगर के ग्रेव के पास आता है। उसके ऊपर एक पत्ता था जो उसने खा लिया, इस वजह से उसे उल्टी आने लग जाती है। ये पत्ता केली की वीकनेस है और इससे वो मर भी सकता है। दूर से ये सब चीज़ें सारा देख लेती है। फ्यूनरल के बाद शेरिफ अब केली को एक अलग शहर में फोस्टर केयर में रखने वाले थे। रास्ते में शेरिफ केली से कहते हैं कि तुम्हारा ट्रेलर ज़रा आउट ऑफ बैलेंस हो गया था, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम था? केली बात समझ नहीं पाता। तभी उसने रोड पर नेसन और उसके फ्रेंड को नोटिस किया। उसे पता चल गया कि यह सब उन्होंने ही किया है। वो फिर चलती गाड़ी से डायरेक्टली कूद जाता है। जहाँ पर फ्रेंड जा रहे थे उनका पीछा करने लग गया। सब फ्रेंड्स मिलकर रिवर के पास आते हैं। उनका एक फ्रेंड जब स्विमिंग कर रहा था तो उसे वो पत्थर मारने लग गए। इनकी मस्ती केली देखता है। उनका एक शर्ट लेकर केली ने अपने गले के आसपास बांध दिया। वो खुद को ही मारने लग गया। जिसका यह शर्ट था उसकी सांसें बंद होने लगती है। पानी में डूबकर उसकी डेथ हो गई। सब फ्रेंड्स ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की पर वो बचा नहीं पाते। केली बाहर निकला और उसने कहा कि अब और सिर्फ तुम तीन ही लोग बचे हो, एक एक कर कर मैं तुम सबको मार डालूंगा, अब मैं किसे मारूं? केली को ढूंढते हुए शेरिफ वहाँ पर पहुँच चुका था तो केली यहाँ से भाग जाता है। कहता है कि बाद में मैं तुम्हें देख लूँगा। ये सब बात नेल्सन ने सब लोगों को बता दी थी तो इसके बारे में सारा डोमिनिक से बात कर दिया। डोमिनिक ने उसे कहा कि केली कभी भी किसी को मार नहीं सकता। डोमिनिक ने खिड़की में कुछ आवाज़ सुना तो केली कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सारी सिचुएशन उसने उसे बता दी। डोमिनिक कहती है तुम इस तरीके से उन्हें मार नहीं सकते, तुम्हारी मदर अगर जिंदा होती तो ये सब नहीं चाहती, कुछ ना कुछ तो वे होगा जिससे वो खुद कन्फेस कर देंगे। केली भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन जब क्लास चल रहा था तो अचानक से केली वहाँ पर घुस आया। वो सब नेल्सन के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लग जाता है। उनका एक फ्रेंड केली को मारने वाला था पर नेल्सन उसे रोक लेता है। केली ने और भी उसे उकसाया। ये केमिस्ट्री की लैब में थे तो एसिड लेकर वो डायरेक्टली केली के फेस पर डाल देता है। इस वजह से नेल्सन के फ्रेंड का फेस ही जल गया और तुरंत उसकी डेथ हो गई। डोमिनिक केली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी तो केली यहाँ से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आई। वो कहती है मुझे भी हमारे फ्रेंड का बदला लेना है। उसे केली की वीकनेस के बारे में पता था तो ये सब वो नेल्सन को बता देती है। इसके बाद वो फ्लूकर के ग्रेव के पास आए और वहाँ से वो पत्ते उन्होंने उठा लिए। ये सब पत्ते पानी में डालकर ये लिक्विड वो एक गैस कैन में भर देते हैं। सब लोग इतने डर गए थे तो घर से बाहर कोई भी निकल नहीं वाला था। पर नेल्सन के फादर ने कहा कि हम उसे डरेंगे नहीं, कल हम प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। इनकी प्रैक्टिस जब चल रही थी तो शेरिफ इन्हें वार्न करने के लिए आ गया। जब शेरिफ वापस जा रहा था तो गस की गाड़ी में उसने चेंस नोटिस किए। इन्हीं चेंस को यूज़ कर उन्होंने बर्निस के ट्रेलर को नीचे गिराया था। इसके बारे में बात करने के लिए फिर से गस के पास पहुँच जाता है। अचानक से वहाँ पर केली भी पहुँच गया। उसके पास नेल्सन का ड्रिलिंग मशीन था। अगर वो नेल्सन की चीज़ों से खुद को हर्ट करता तो नेल्सन हर्ट होगा। उसने नेल्सन को वार्निंग दी कि अभी के अभी कन्फेस कर दो। नेल्सन इस बात के लिए मान नहीं रहा था तो खुद को ड्रिल करने लग जाता है। इसकी सारी चोट नेल्सन को आई। इसी के पैरेलल में रन करते हुए डोमिनिक भी वहाँ पर पहुँच गई थी। तभी नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया हुआ था इससे केली को प्रेशर करने लगता है। केली की हालत इससे ख़राब होने लग गई। मौके का फ़ायदा उठाकर गस ने शेरिफ की गन ले ली। केली जब रिकवर हो रहा था तभी उसने केली को शूट कर दिया। इसकी वजह से एक ही समय पर गस और नेल्सन ये दोनों मर जाते हैं। डोमिनिक ने केली से कहा कि तुम्हें इस तरीके से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था, तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। शेरिफ ने केली से कहा कि पावर की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल होने में हेल्प कर सकता हूँ। डोमिनिक के लिए केली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सब लोग रेड एल के पास आए। वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे केली की पूरी पावर चली जाने वाली थी। केली को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया। रेड एल कहता है कि केली के पास पावर बहुत ही ज़्यादा समय तक थी, अब उसे मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर डोमिनिक ने केली से कहा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सब लोग केली से बहुत ही डर गए थे तो शेरिफ का एक आदमी केली को शूट करता है।
इसमें डोमिनिक को भी गोली लग गई थी। डोमिनिक ने मरते मरते केली से कहा, तुम्हारी पावर किसी को भी मत देना। केली को बहुत बुरा लगता है, ये फ्लूगर की ग्रेव के पास ही थे। केली ने कहा कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने फ्लूगर का हार्ट निकाला और वो खाने लग गया। इस वजह से उसकी डेथ होने लग जाती है, पर इससे भी वो हील करने लग गया था। शेरिफ ये देखकर उसके सर पर गोली मारकर उसे मार डालता है। शेरिफ ने रेडल से पूछा, क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है? रेडल कहता है कि नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केली और डोमिनिक की जब डेड बॉडी लेकर जा रहे थे तो अचानक से डोमिनिक उठ जाती है। केली की पावर उसमें आ चुकी थी, अब वो सब लोगों का बदला लेगी। और इसी मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। एक न्यू कंसेप्ट के साथ एक क्लिफ हैंगर पर मूवी हमें छोड़ कर जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।